तो गाइस आज संडे वाला दिन है और संडे की राइड कह सकते हो आप कि संडे की राइड पे निकला आपका भाई। अगर यार बड़े दिन हो गए बसों और ट्रेनों में खा रहा हूँ धक्के, बाइक निकाली जाए अपनी। हाय 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 दिल खुश हो गया। हाँ बस यहाँ पे आप ना मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में दो ही टाइम बेस्ट है भाई, दोपहर में तो बुरी हालत है यहाँ पे। तो आपको पता ये ऊना है, ये ऊना। सो गाइस अभी मैं आगे तक जाऊंगा और आगे से यू टर्न ले लूंगा क्योंकि अपने को जाना है अभी ऊपर वापस ऊना, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ जाना है, वहाँ अपने को काम है। और नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्लान दोस्तों मेरा ये है कि अपने को जाना है कल माता चिंतपूर्णी टेम्पल, जो कि ऊना से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ का मैंने प्लान बना रखा है, काफ़ी दिनों से बना रहा था प्लान में, बट जा नहीं पाया, कोई ना कोई अड़चन आती रही। शायद माता रानी का बुलावा नहीं होगा तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो कल देखते हैं, कल जाएंगे। आज है 11 जून तो कल है 12 जून, तो 12 जून को जाऊंगा मैं, मंडे है कल। तो कल जाएंगे अपन बढ़िया मत्था टेक के आ जाएंगे, ठीक है। सुबह सुबह निकलूँगा बढ़िया और शाम को या दोपहर को वापस आ जाऊँगा। और बाकी अपडेट्स आप देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे मैं सारे अपडेट करता रहूँ टाइम टू टाइम, जहाँ भी जाता हूँ वो अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। हाँ जी राम राम, क्या हाल चाल है, बढ़िया सब मौज में। सो एक चीज़ पूछनी थी आपसे गाइस मैंने, कि बाल कटवाऊँ या रहने दूँ, हैं? क्योंकि कई भाई कह रहे थे कमेंट करके मेरे को कि भाई आप बाल कटवा लो, छोटे रखो आप, और कुछ कह रहे थे कि नहीं भाई आप बड़े बाल रखो। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, बड़े बाल रखें छोटे बाल रखें, वैसे तो लग रहे थे बढ़िया हैं वैसे ना। काम करूँगा अभी नाई के पास जाऊँगा ना मैं, ये कटवा लूँगा क्योंकि ये बड़ा गंदा सा लग रहा है ये, है ना, दाढ़ी वगैरह ये ट्रिम करवा लेंगे अपन। और बाकी देखते हैं कल निकलना सुबह यहाँ से 7-8 बजे चिंतपूर्णी मंदिर के लिए, और 1.5 घंटा लगेगा मुश्किल से पहुँचने में, अपना आराम से जाएंगे। और ये ब्लॉग में ट्राई करूँगा कि आज ही पड़ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये 12 को पड़ा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, पर चलो देखते हैं। तो इसलिए कह रहा था गाइस मैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डाल देता हूँ स्टोरीज। तो यार यहाँ पे ना गर्मी बहुत हो रखी है, हैं, कल भी बारिश हुई है बट इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए बारिश हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप गीली गीली मिट्टी है। सो चलते हैं अब यहाँ से नाई के पास जाते हैं, इसको ट्रिम करवाते हैं। छोटा सा ब्लॉग है, अब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, अभी देखते हैं थोड़े दिनों में राइड पे निकलूँगा मैं, फिर आएगा मज़ा आपको गाइज। अभी क्या है कि अभी थोड़ा ना सिस्टम नहीं बन रहा अपना सिस्टम, सो सिस्टम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है अपना। तो थोड़े दिनों में राइड का अपडेट आपको दे दिया जाएगा कि आपका भाई कौन पे निकल रहा है, कौन सी राइड पे निकल रहा है। वैसे मोटा मोटा बता दूँ आपको तो मैं निकल रहा हूँ कुल्लू वैली वाली साइड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी के अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एक तो ना यहाँ पे यार लोग ना रिस्क लेने से डरते भी नहीं है, ये देखो बच्चे के पास साइकिल पकड़ाई है काम पर है बेचारा, देखिए इसके हाथ काम रहे हैं। सो क्यूट, फाइनली गाइस नाई की दुकान मिल गई है। और वो कौन सी गई भाई, ड्यूक 390, बड़ी रेयर मिलती है देखने को यार ड्यूक 390। चलो कर भाई, ये कितना टाइम लगना भाई, ये थोड़े बाल सेट कराने थे बैठे, ठीक है ठीक है, फोन करूँ है। हाँ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं है, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो हाय, क्या नाम है आपका? कमल देव ज्योति, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। भाई की दुकान देखी मेरे को रोड साइड में, यहीं रुकते हैं। आपका भाई कटिंग करवा के आ गया, देखिए भाई लग रहा है ना पूरा चिकना चिकना। हाँ तो यही था इस ब्लॉग में गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, हर हर महादेव।